हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी, जिसमें हम ना ही प्याज इस्तेमाल करेंगे, ना ही लहसुन, ना ही टमाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू को छीलकर इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो आलू मीडियम साइज का लिया था मैंने, 2 से 3। तो आलू को ज़्यादा छोटे टुकड़े में ना काटें और ना ही ज़्यादा बड़े टुकड़े में, मीडियम टुकड़े में काट लेंगे। गैस पर एक प्रेशर कुकर गरम करेंगे। कुकर के गरम होते ही इसमें हम तेल डाल देंगे। मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। आप चाहें तो सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे या मंगरेला। कलौंजी इसमें ज़रूर डालिएगा, कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को डालने के बाद हम इसे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेना है हमें। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छे से भून चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तब हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी मसाले को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसाले का कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए और अच्छे से भून जाए। तो चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक मसाले को भून लेना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाले भून चुके हैं। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। पानी को मिक्स कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक लो फ्लेम पे इसे हमें पका लेना है। तो कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और फ्लेम को कम कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। जैसे 4थी सीटी लग जाएगी, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर खुद ही ठंडा हो जाने देंगे। फिर हम ढक्कन को खोल लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से आलू गल चुकी है। तब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला को मिक्स कर देंगे और आलू को हल्के हाथों से मैश कर देंगे। आलू को मैश करने से ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं 3 से 4 आलू को इस तरह तोड़ लूँगी। वापस फ्लेम को ऑन कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से सब्जी मीठा नहीं होता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर डाल के देखिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। टमाटो केचप डालने के बाद मिक्स कर देंगे और हम ढक्कन को ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बंद नहीं करना है, सिर्फ ढक कर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए ग्रेवी काफ़ी अच्छे से थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा ग्रेवी को हमें गाढ़ा नहीं करना है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल या फिर प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी थिक हो चुकी है। आलू जो हमने मैश किया था ना, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी थिक हो जाती है और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप इस सब्जी को पूरी के साथ, चावल के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। तो जाइए फटाफट इस बिना लहसुन प्याज टमाटर की सब्जी को घर में बनाइए, और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।